अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन अभी भी एक ऐसा प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा करना लगभग नामुमकिन सा है। जी हां, ये जो प्रांत है बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। पंजशीर नाम है इसका, और पंजशीर प्रांत को लेकर तालिबान काफ़ी परेशान है। दरअसल तालिबान वो हर कोशिश कर रहा है कि वो पंजशीर पर अपना कब्जा जमा पाए, लेकिन ये उससे हो नहीं पा रहा है। जी हाँ, पंजशीर जो है वो इकलौता ऐसा इलाका है तालिबान में जो कि अभी भी तालिबान के पहुंच से दूर है। दरअसल काबुल से 90 किलोमीटर दूर हिंदुकुश की पर्वत की पहाड़ियों के बीच ये बसा पंजशीर प्रांत अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इसको और खास बना दिया है वहाँ के 9000 लड़ाकों ने। जी हाँ, पंजशीर प्रांत के 9000 लड़ाकों ने पूरे तालिबान को इस वक्त टक्कर दे दी है। टक्कर ऐसी है कि लगभग 11 दिन से ज़्यादा का समय होने वाला है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पंजशीर पर वो कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहा है। वो पंजशीर में इंटरनेट सेवाएं और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को ठप कर रहा है, बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पा रहा। एक लोकल के मुताबिक पंजशीर में अपना खुद का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसकी वजह से जो तमाम हथकंडे हैं तालिबान के वो वहाँ पर फेल हो जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पंजशीर इतना खास क्यों है और क्यों अब तक वो तालिबान की पहुँच से दूर है। काबुल से 90 मील दूर उत्तर हिंदुकुश पर्वत पर स्थित इस इलाके की खासियत ये है कि ये पहाड़ियों के बीचों बीच में है। यही वजह है कि जब कोई दुश्मन इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो पहाड़ों के ऊपर रखे मशीन गन उन्हें आसानी से निशाना बना लेते हैं। पंजशीर घाटी इस वक्त अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी हुई है। पंजशीर घाटी को तालिबानियों से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9000 विद्रोहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच अभी भी जबरदस्त लड़ाई जारी है। आपको बता दें कि पंजशीर की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हेवी मशीन गन तैनात कर रखी है, जिसका शिकार हर वो तालिबानी हो रहा है जो पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल ऊंचाई पर रखी ये हेवी मशीन गन जो है हर उस आदमी को निशाना बना रहे हैं जो पंजशीर पर कब्जा करने की नियत से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि तालिबान पूरी दुनिया में ये दावा कर रहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो गया है और पंजशीर से उसकी बातचीत चल रही है, तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पंजशीर पर अभी भी तालिबान का कोई कब्जा नहीं है। वहीं अहमद मसूद के करीबी फहीम दस्ती ने बातचीत से इंडिया टुडे को बताया कि तालिबानियों ने एक इलाके में कब्जे की कोशिश बहुत पहले की थी, जहां पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें दबोच लिया और उनके पास से मिले हथियारों को जब्त कर लिया। 23 अगस्त को पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अपने 3000 आतंकियों को भेजा था, लेकिन पंजशीर के 9000 लड़ाकों के सामने वो नहीं टिके। आपको बता दें कि पंजशीर में अफगान रेजिमेंट फोर्स की कमान शेरे पंजशीर के बेटे अहमद मसूद जूनियर के हाथों में है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी वहीं हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी यही पंजशीर में बने हैं और वो साफ कर चुके हैं ये लोग तालिबान का राज नहीं मानेंगे और तालिबान के आगे खुद को सरेंडर नहीं करेंगे। तालिबान वैश्विक मीडिया में ये दावा कर रहा है कि पंजशीर के साथ उसकी डील हो गई है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच परवान में बातचीत शुरू हो गई। तालिबान के इस हथकंडे पर अमरुल्ला सालेह ने कहा था कि हमारा मानना है कि सरकार में लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बदले के लिए आम लोगों पर हिंसा न हो। हम तालिबान से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पंजशीर के लिए नहीं है, अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर हो रही है। तो कुल मिलाकर इस खबर का जो जस्ट है वो ये है कि 9000 लड़ाके बनाम तालिबान अभी भी जारी है और पंजशीर अभी तालिबान की पहुंच से बहुत दूर है।